भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा देश भर का भ्रमण करके 1 अक्टूबर को डींडवाना जिले की ग्राम पंचायत सुदरासन पहुंचेगी। इस मौके पर सुदरासन में एक सभा होगी जिसमें चंद्रशेखर आजाद लोगों को संविधान से संबंधित जानकारियां देंगे और यहां संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे। वहीं किसान नेता भगीरथ यादव ने बताया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं। सरकार के कई मंत्री संविधान को बदलने की बात भी कर चुके हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि देश भर के हर नागरिकों को, खासकर युवाओं को, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के जीवन और आदर्शों के बारे में बताएं, जिससे कि उनको प्रेरणा मिल सके। क्रम 1 अक्टूबर का है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने सहारनपुर से संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की है। देश के अंदर अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है वो खतरे में है और संविधान पर इस तरह से केंद्र सरकार जो बार बार उनके मंत्री उनके पदाधिकारी संविधान बदलने की बात कहते हैं, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की। हमने उस 15 दिन यात्रा होगी, उसके बाद में 1 अक्टूबर को उस यात्रा का समापन होगा जो मेरी ग्राम पंचायत सुदरासन में होगा। उस दिन देश को संविधान देश से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और शहीद जंगे आज़ादी में लड़ाई लड़ने वाले शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा जो हमने पंचायत में लगाई है,